हाय डियर स्टूडेंट्स, आज वर्क एनर्जी एंड पावर का हम दूसरा टॉपिक उठाने जा रहे हैं, दैट इज एनर्जी। एनर्जी से आप क्या समझते हैं? क्या आप भी एनर्जी वही समझते हैं कि जो अमूमन हमारी जुबान में एनर्जी चलती रहती है? मतलब कोई बंदा हट्टा कट्टा हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, हम इसी को कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, ये बंदा बड़ा ताकतवर बंदा है, इज इट एनर्जी? जब भी हम एनर्जी का वर्ड देखते हैं, कि लफ्ज़ एनर्जी देखते हैं, तो एनर्जी से हमें ये पता चलता है कि भाई ये ताकत है। बट साइंस के एतबार से क्या एनर्जी ताकत ही है, या कि एनर्जी का किसी और चीज़ के साथ ताल्लुक है? जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट वर्क पे था कि हम ये सोचा करते थे कि वर्क किसी काम का होना, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं बस हो गया, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ हो गया। लेकिन साइंस ये चीज़ नहीं मान रही। साइंस कह रही कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा फोर्स अप्लाई करने के बाद, तब तक वर्क नहीं है। तो सिमिलरली क्या जो हमारा ये कॉन्सेप्ट एनर्जी है, क्या ये वही वाला एनर्जी का वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले से मतलब हमारे जहन में आता है कि नो एनर्जी इज ओनली दैट ए मैन हैविंग द स्ट्रेंथ लाइक दैट दैट एंड दैट? नो, इट्स नॉट दैट। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी, ठीक, ये हेल्दी हैं, ये थोड़ा कमजोर हैं, बंदा ए जो है इसके अंदर इसकी सेहत हेल्दी बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो है ये कमजोर लग रहा है हमें। अब यहां से कि जो ये हेल्दी पर्सन है, हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर ताकत है, कैसे? नो, हम देखेंगे कि अब अगर हम इस पर्सन ए को देखेंगे और बी को देखेंगे, इसमें से हम देखेंगे ताकतवर कौन सा ज्यादा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा ताकतवर है। अगर हम ए को देखेंगे या बी को देखेंगे, हम देखेंगे इनमें से काम करने की सलाहियत किसमें ज्यादा है। लेट अस सपोज कि अगर पर्सन ए, इसके अंदर सलाहियत ज्यादा है काम करने की, He's having the ability to do more and more work than the person B. हम ये कहेंगे कि नहीं, बंदा A जो है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, because he is having the ability to do the work. अभी यहां पर B जो है, B के अंदर ऐसी capability नहीं है, ऐसा potential नहीं है कि ये बंदा काम कर सकता है, ठीक। तो हमारे जहन में एक बात आती है, एनर्जी जो है इट इज रिलेटेड टू द वर्क, इट इज रिलेटेड टू द वर्क। मतलब अगर किसी बंदे के अंदर काम करने की सलाहियत है, ये काम कर सकता है, हम कहेंगे इसके अंदर एनर्जी है। आप छोटे बच्चे से कहें कि दरवाजा खोलने के लिए, बट ही इज नॉट एबल टू ओपन द डोर, आप क्या कह रहे हैं कि इसके पास ताकत नहीं है कि ये काम कर सकते हैं। वायलेंस की वहां पर दूसरा कोई इससे बड़ा बच्चा बैठा हो, ठीक, आप उससे कह रहे हो कि दरवाजा खोलने के लिए, वो दरवाजा खोल रहा है, आप क्या कह रहे हो कि ये ताकतवर है एज कंपेयर टू द सेकेंड। वाई? क्योंकि इसने काम कर दिया, ही एक्ट्स ऑन द डोर, एंड देन वी रियलाइज दैट कि जो दूसरा बच्चा था इसके पास ताकत थी। तो नाउ अब एनर्जी क्या है? एनर्जी सिंपली मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क। नाउ व्हाट्स एनर्जी? एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क। किसी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर उसकी ताकत का पैमाना वहां से पता चल जाता है कि जब वो एक्ट करता है किसी चीज पर, जब वो काम करता है किसी चीज पर, हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर ताकत है। तो
दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो एनर्जी पता चलती है काम से, ठीक। वी कम कैम टू नो द एनर्जी ओनली व्हेन वी आर डूइंग द वर्क, देयरफॉर द एसआई यूनिट्स ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज सेम टू दैट ऑफ द वर्क, इज सेम टू दैट ऑफ द वर्क। वर्क के जो एसआई यूनिट्स है वही एनर्जी के हैं, वर्क के एसआई यूनिट्स जूल हैं, सिमिलरली एनर्जी के भी एसआई यूनिट जूल है। नाउ वी हैड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फोटो एनर्जी और आई कैन से दैट इज सोलर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, एटीसी, बहुत सारी वगैरह वगैरह। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, फोटो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं, ठीक। आउट ऑफ दिस ऑल दिस एनर्जीज वी हैव टू ओनली गो थ्रू मैकेनिकल, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल। इन सारी एनर्जीज को लेकर हमें खाली तीन एनर्जीज यहां पर पढ़नी है। एक है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज दिस मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? तो लेट अस डिस्कस आउट ऑफ दीज थ्री। नाउ लेट अस डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है? Now, dear students, काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है? मैं एक एग्जाम्पल से आपको सिखाऊंगा। पहले सपोज सरफेस पे ये बॉल है, इट्स एट द स्टैटिक स्टेट। ये बॉडी जो है, बॉल है ये रेस्ट पे है। यहां से एक बॉल जो है ये चल रही है in the current state, this ball is moving. ये ball जो है ये जाके एक स्टेज पर पहुंच के इस ball को टक्कर मार देती है। It applies the force on this very body. जब ये ball, second ball, इस ball पर क्या करती है? Force लगा दी है। This ball always starts to roll. Why? क्योंकि इस बॉडी के अंदर कोई फोर्स, इस बॉडी के अंदर फोर्स आया जिसकी बदौलत ये सेकंड वॉल जो है, इसके साथ ये बॉल टकराने के बाद ये सेकंड वॉल जो है ये मूवमेंट में आ रही है, दिस कम्स इनटू द मूवमेंट। और अभी इसकी मूवमेंट जो है ये इसकी फोर्स की वजह से, दैट मीन्स कि द फर्स्ट बॉल वॉज हैविंग द एबिलिटी टू मूव दिस, द फर्स्ट बॉल वॉज हैविंग द एबिलिटी टू रोल द सेकेंड बॉल। It was the ability, the first ball was having the ability to apply the force on the second ball with which the second ball has rolled down on the surface. इसने क्या कर दिया? इसने roll कर दिया surface पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये चलते चलते इसने जो energy लाई थी,
तो चलने के वक्त जो इसने इस पर फोर्स लगा लिया, ये बॉल जो है ये क्या होगी, ये डिस्प्लेस होगी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, लेकिन किसकी बदौलत कि इसने इस पर फोर्स लगा दिया, दैट मीन्स कि इसके पास कोई एनर्जी थी। दैट एनर्जी जो ऐसे आ रही है, हम कहेंगे ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक और एग्जाम्पल में आपको सिखाऊंगा। आप क्रिकेट से बहुत वाकिफ हैं, एक फास्ट बॉलर है, वो एक रनअप से लेकर बॉल फेंकने के लिए वो एक रनअप ले रहा है, वो पीछे को ज्यादा दौड़ के आता है फिर बॉल फेंक देता है, उसके अंदर पेस ज्यादा होती है। वाइल एज द स्पिनर जो होता है अपनी जगह पे बॉल फेंकता है, उसके बॉल फेंकने से क्या हो जाता है कि जब वो बॉल फेंकता है उसके अंदर ज्यादा पेस नहीं होती है, कि जो बंदा दौड़ के आया, जो बॉलर दौड़ के आया उसके अंदर पेस ज्यादा क्यों है। अकल का तकाजा यह है कि वो थक के आया हुआ होता है, वो दौड़ के आया हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर तब ये चीज नहीं होनी चाहिए थी कि उसके अंदर वो तो थका हुआ है, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, वो क्यों ज्यादा बॉल पे फोर्स मार रहा है। और अगर दूसरा बंदा है कि वो अपनी जगह पे बॉल फेंकता है, उसके अंदर पेस ज्यादा क्यों नहीं है, मतलब ये है वो जो बंदा दौड़ के आ रहा है, वो जो बंदा दौड़ के आ रहा है वो अपने अंदर एक नई एनर्जी जज्बा लेकर आ रहा है, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी जो उसके चलने के वक्त आती है, दिस कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये वो वाली एनर्जी होती है जो एक बॉडी के अंदर आ जाती है, कब, जब वो मोशन में होता है, जब वो बॉडी मोशन में होती है। ठीक, वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी पॉजिटिव बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब एक बॉडी मोशन में है फिर वो अपने अंदर एनर्जी लाती है, हम कहते हैं कि भाई दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की। तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी पॉजिटिव by the body by virtue of its motion। समंदर की लहरें चलती हैं, समंदर की लहरों में वो शोर जैसा होता है, वो समंदर की लहरें चलती हैं उनके अंदर वो भाव होता है, दैट मीन्स उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। गाड़ी जो चलती है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटर हो, उसके अंदर वो चलती है, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी है। तो जब भी एक बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी कि वो जब मोमेंटम में होगी तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, नाउ हाउ, नाउ द डिराइवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। How can we derive the expression of the kinetic energy? Kinetic energy की जो expression है वो derive हमें करनी है। That's suppose मैं एक body लूंगा, body A, ये body जो है it's at rest, और इस body A का जो mass है that's mkg। मैंने क्या ले ली, मैंने बॉडी ले ली जिसका नाम ए है और मास इसका एम के जी है, ये रेस्ट में। नाउ ये बॉडी जो है ये अपने आप पे फोर्स लगा रही है, इस बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है, विद विच कि ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेस होती है फ्रॉम ए टू बी, ये मोशन में आती है और ये डिस्प्लेस होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ एस मीटर्स फ्रॉम ए टू बी। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम एक बॉडी लेंगे ए जिसका मास एम के जी है, इस बॉडी ने ये रेस्ट में है पहले, अभी अपने आप पे फोर्स लगा रही है, फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी क्या होगी, ये डिस्प्लेस होगी कितने मीटर से, एस मीटर्स, कहां पर पहुंची, बी पर पहुंची। अब ये बॉडी ए जो है इसने कुछ काम कर दिया और वो काम किसके बराबर है, दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यही हमें बताएं।
वो W किसके बराबर है, वो वर्क डन किसके बराबर है, F into S, क्योंकि इस पे फोर्स लग गया, फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेस होगी फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन. ठीक. नाउ वी नो दैट, लेट इज द इक्वेशन फर्स्ट, वी नो बाय द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट्स F is equal to M into A. F is equal to M into A. Good. According to Newton's third equation of motion, that's v square minus u square is equal to 2as. न्यूटन की जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें देती है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. लेकिन बच्चे इनिशियली जो बॉडी थी, इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की जो थी ये किस में थी, रेस्ट में थी. अब जब इसने फोर्स लगा लिया कि इसने कुछ अचीव करी होगी, कुछ वेलोसिटी ये चली होगी फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी, और वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी मीटर पर सेकेंड. लेकिन इनिशियली ये बॉडी क्या थी, रेस्ट. एट इनिशियल the body was at the rest. The body was at rest. Therefore, I can say that u is equal to zero. U किसके बराबर है? Zero के बराबर. तो equation क्या बनेगी? That's v square minus zero is equal to 2as. Then I can say that s is equal to v square divided by 2a. सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड. ध्यान रख लीजिएगा, मैंने पहले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा है. फिर पहले चैप्टर में हमें मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में हमने न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब जब बॉडी जो है, बॉडी पहले रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो थी दैट u दैट वाज इक्वल टू जीरो. ठीक. फिर जब इसने फोर्स लगा लिया, फोर्स की वजह से इसने कुछ तो स्पीड आई होगी, तभी तो ये ए से लेकर बी तक गई, तो वो जो वेलोसिटी थी दैट वाज इक्वल टू v. ठीक. तो हमने यहां पर u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, u इज इक्वल टू जीरो. तो इस इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर दैट इज जीरो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब मैंने यहां से s निकाला, s यहीं पे रख दो, ये 2a जो है डिवाइड में चला जाएगा, s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a. नाउ मैं ये वैल्यू, s का जो वैल्यू है और f का जो वैल्यू है, ये दोनों में इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, या पुट द वैल्यू ऑफ value of f and s in equation first equation में डालने. तो पहली equation क्या बनेगी, w is equal to f के बदले क्या आएगा, that's m into a, और s के बदले क्या आएगा, v square divided by 2a. a और a cut, तो वहां पर बना w is equal to एम वी स्क्वायर बाय टू. तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ एम वी स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, ये काम जो बॉडी कर रही है ये तब ये कर रही है जब ये किस में आ रही है, मोमेंट में आ रही है, मोशन में आ रही है. जब ये फोर्स अप्लाई कर रही है मोमेंट में आ रही है, ये पोजिशन ए से
पोजीशन बी तक जाती है, ये काम हो रहा है कब, इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो ये W जो है इट बिकम्स इक्वल टू, बॉडी के अंदर काम करने की सलाहित आती है कब, मोमेंट में। तो बॉडी ने अपने अंदर क्या किया, काम तो किया कब, चलते चलते। तो चलते चलते जब बॉडी काम कर रही है, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। हियर W इज इक्वल टू के ई, काइनेटिक एनर्जी। वाई काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज द बॉडी हैड मूव्ड, बॉडी हैड अप्लाइड द फोर्स विद विच इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसके अंदर वेलोसिटी थी, इसके अंदर उस वेलोसिटी के अंदर से इसने अपने अंदर क्या लाई थी, एनर्जी लाई थी। तो W इज इक्वल टू के इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। नाउ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, W इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। आप ये बात याद रख लेंगे। अब बात समझ लीजिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, वन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, सेकेंड वन द मास ऑफ द बॉडी। मास बढ़ेगा, ठीक, मास बढ़ेगा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी।